हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एम करीम का जो पहला चैप्टर है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं जो बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी में जैसे जब सीखते हैं बच्चे तो उनको आसानी होती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 टू 1 ही में क्वेश्चन है। कराए कि मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर। एक वर्टिकल प्लेन मिरर के जस्ट सामने है, उसका हाइट है 1.8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मैन इफ ही स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। देखिए, यहाँ पर ये प्लेन मिरर, देखिए ये प्लेन मिरर आपका है और ये एक आदमी खड़ा है। देखिए, इसका हाइट दिया हुआ है 1.8 मीटर दिया हुआ। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये जो विजन होगा इसका साइड का, डायरेक्ट रे निकलेगा और रिट्रेस होगा, लैकी इधर से ही रे आ रहा है। तो ये आपका हाइट तो खैर आप दे सकते हैं डायरेक्ट 1.8 मीटर। अब हम लोग को यहाँ पर 1.5 मीटर अवे है फ्रॉम द मिरर, तो ये प्रूफ करना है कि इतना ही होगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है हमको। तो यहाँ से अगर बात करें हम लोग, ये देखिए इस तरह रे, तो ये आपका आई और ये हो जाएगा आपका आर, तो ये भी आपको इस तरह, देखिए इसको मिला देंगे, लेगा उधर से रे आ रहा है, तो देखिए ये आई है तो ये भी, देखिए एक्चुअली ये आर होगा और आई और दोनों बराबर है तो आई हो गया, तो ये 90, ये भी 90 हो गया, तो एंगल हो जाएगा आपका, एंगल साइड है ना, ये एस से आप कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ए डबल एस से 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका पहला जो ऑप्शन है, पहला जो आंसर इसको देना है कि इस मैन से इमेज का कितना डिस्टेंस है, तो ये होगा 3 मीटर। और दूसरा क्या देना है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, तो देखिए एकदम साइड जो है कि आपका डायरेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 1.8 मीटर। तो ऑब्जेक्टिव को आराम से जितना फास्ट दीजिए अच्छा है। फिर है कि अब मैन, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स टुवार्ड्स अ प्लेन मिरर विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड विथ व्हाट स्पीड डज द अप्रोच ही अप्रोच हिज इमेज। तो देखिए ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं, अगर मान ली एक सम्मान ले थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, तो आपका जो डी हो गया यहाँ पर कितना है, तो 2x है यहाँ पर इसका डिस्टेंस, तो डी बाई टी कितना हो जाएगा, इसको भी टी से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ जो वी रिलेटिव आपको नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, या वी माइनस माइनस वी, तो ये 2b, इस सेंस में मैंने डबल का है ये, तो ये रिलेटिव होता है इसलिए 2b आप अप्रोच करते हैं, देखते हैं वहाँ। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि बॉय वॉक्स टुवार्ड्स अ प्लेन मिरर विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसी तरह डबल कर देना है, जब भी अगर आएगा तो डबल कर देना है, तो 2 दिया हुआ है तो 4 मीटर पर सेकेंड होगा, डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। फिर आगे उसी तरह का क्वेश्चन है पांचवा में, ए प्लेन मिरर इज मूव टुवार्ड्स एन ऑब्जेक्ट विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द स्पीड विथ विच द इमेज अप्रोचेज द ऑब्जेक्ट। फिर इसको भी दुगना कर देंगे, है ना, 5 में 4 का है तो 8 मीटर पर सेकेंड कर देंगे, बहुत ईजी है, एकदम दुगना कर देना आपको। 6 नंबर में है कि कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाई अ रे विच इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए 6 नंबर में, कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास प्लेन मिरर है यहाँ पर, और ये अगर आप रे को इस तरह फॉल करा रहे हैं, अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट ऐसे चला जाता, लेकिन जब मिरर है तो ये ऐसे चला जाता है, तो डेविएशन आप इतना का खो रहे हैं, देख रहे हैं इतना का डेविएशन होगा वहाँ पर। तो ये देखिए आपका, अगर आई की आई है, ये आर है, तो देखिए आई प्लस आर प्लस डेल बराबर 180, तो डेल बराबर कितना होगा 180 माइनस आई प्लस आर, और आई और आर क्या होता है, बराबर होता है, इसको थीटा भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 2i लिख सकते हैं,
180 माइनस टू आर लिख सकते हैं, 180 माइनस टू थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा कह रहा है 60 डिग्री है, ये थीटा क्या है 60 डिग्री है ना, रे इंसिडेंट हॉरिजॉन्टल डेविएशन सफर्ड बाई रे विच इज इंसिडेंट ऑफ प्लेन हॉरिजॉन्टल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसको आप 60 रखिए, 180 माइनस टू इंटू 60, तो 120 हो गया इधर, 60 डिग्री होगा आपका डेविएशन। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे, कभी डेविएशन की जरूरत होगा तो इस तरह कर लेंगे। फिर उसी तरह सातवां में क्वेश्चन में कह रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन में ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेट द डेविएशन सफर्ड बाय द रे। फिर वही लगाएंगे डेल बराबर 180 माइनस टू वाई टू थीटा जो लगाना 180 माइनस टू और ये 30 पर हो रहा है तो कितना होगा 30 × 60 120 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है का थिक मिरर शोज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब व्हिच ऑफ दिस इमेज विल बी ब्राइटनेस। तो देखिए आपके सामने फिगर है कि यहाँ पर देखिए ये अनपॉलिश पार्ट है तो जब यहाँ से लाइट इन करेगा तो 10% को ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी अंदर चला जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर देखिए ये पॉलिश्ड है, यहाँ था अनपॉलिश्ड, तो पॉलिश्ड है तो यहाँ मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे सेकंड आपका जो है कि 80% आप तक कहने मतलब कि सबसे अधिक जो है कि ब्राइटनेस हो जाएगा ये। तो आपको याद रखना है कि सेकंड जो इमेज होगा वो ब्राइटनेस होता है अगर ठीक अगर हम लोग मिरर का यूज करेंगे तब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो इसको याद रखेंगे क्या होगा सेकंड इमेज। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन को इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन ऑफ मैन 0.25 मीटर देन व्हाट डिस्टेंस ही शुड केप्ट अ प्लेन मिरर इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ कन्वीनियंटली। तो ये था क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कितना है 0.25 मीटर है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर खुद अगर आदमी को ही रख दें हम, ये आपका है तो इसको देखना है, देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका डायरेक्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि इमेज को देखना है तो यहाँ पर एक्स और ये भी एक्स तो 2x बराबर कित 2x बराबर दिया हुआ है आपका 0.25 तो ये ऑब्जेक्ट या मैन और मिरर के बीच कितना होगा तो 0.25 बाई 2 हो जाएगा 0.125 मीटर। तो ये आप याद रखेंगे इसको कि पूछा जा रहा है कि व्हाट डिस्टेंस ही शुड केप्ट अ प्लेन मिरर इन ऑर्डर टू सी हिमसेल्फ कन्वीनियंटली, तो ये होता है 0.125 मीटर ऐसे करेंगे। अब देखिए 10 नंबर है इन ऑब्जेक्ट इज केप्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म। तो देखिए यहाँ 10 नंबर जो क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है यहाँ पर, जैसे आप दाढ़ी वगैरह बनाते हैं यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ ये इस तरह, तो आप इनफाइनाइट नंबर सब देखते हैं वहाँ पर सैलून वगैरह में जाते हैं, एन बराबर होता है 360 बाई थीटा, तो अगर ये पैरेलल्स दोनों है तो थीटा 0 होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, देख सकते हैं। 11 नंबर क्या है 11 नंबर देखिए 11 नंबर को 11 में है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 120। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एन निकालते हैं 360 बाई थीटा तो ये आपको दिया हुआ है कितना 120 है, तो 360 बटा 120 भारतीय क्षेत्र अगर ओड है तो उतना ही आंसर रखेंगे, ठीक है तो ये होगा 3 हो जाएगा। 12 में है आपका 45 डिग्री, तो 12 नंबर में एन इजकल टू 360 बाई 45 तो कितना होगा 45 से ना, तो ये आपका 6 6 24
कितना बार में कटेगा देखिए, पाँच नवा पाँच सत्तर पैंतीस पाँच दो नौ आठ बहत्तर, तो ये आठ हो गया, ये इवन है। तो अब इसको क्या करेंगे, घटा देते हैं ना, आठ माइनस वन एक सात आंसर हो जाएगा। हमेशा इस तरह ध्यान रखेंगे। फिर एन ऑब्जेक्ट, फिर अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स विच आर इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फिर इसको भी तेरह नंबर में क्या करेंगे, एन बराबर 360/30 हो गया, तो 12 हो गया, इवन है तो घटा देंगे, तो रिक्वायर्ड कितना हो गया आपका 11, एक घटा देंगे। 14 भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि 14 में एंगल निकालना है, कि आपको दिया हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एंगल, देन फाइव इमेज फॉर्म। तो देखिए फाइव इमेज फॉर्म कब कब होगा, ये देखिए यहाँ पर दो चांसेज यहाँ बनता है, हालांकि ऑप्शन में जो दिया हुआ अगर 72, तो एन इजकल टू 360/72 अगर करेंगे तो यहाँ पर ये यह फाइव आ जाएगा, लेकिन अगर आप 60 पर भी रखेंगे ना 60, तो 6 इवन है, तो यहाँ भी ये घटाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ भी फाइव आएगा। तो ऑप्शन के आधार पर इसको देखना होगा, ऑप्शन के आधार पर इसको देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, देखिए यहाँ पर ये एंगल वाला क्वेश्चन को आप ट्राई मेथड से बना सकते हैं, कोई बहुत भारी नहीं होता है। और अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, देखिए कराए कि मैन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर। अब देखिए यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है, एक आदमी खड़ा है, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह ये प्लेन मिरर है, तो जस्ट उतना ही पर बनता है इधर, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है पहले ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर और ये है आपका 5 मीटर, स्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लार्ज वर्टिकल प्लेन, और 5 मीटर है, तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर 5 मीटर पर ही बनता है, इसको जस्ट यूज कर लेंगे ना 5 मीटर पर। तो अब इस पर कितना एंगल फॉर्म करेगा ये निकालना है, ये इसके आई पर थीटा। तो देखिए 5 5 10 हो गया ये, और ये 2 है तो ये भी 2 मीटर हो गया, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 2/10, तो हो जाएगा आपका 0.2 रेडियन, है ना, 0.2 रेडियन होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द 16 नंबर में कह रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ मिरर इन विच अ मैन कैन सी फुल इमेज। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल इमेज कैसे देखेगा, तो जस्ट इसी को अगर हम लोग बात कर लें, इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, देखिए यहाँ पर इसी से हो जाएगा, देखिए ये देखिए आपका, तो एक्चुअली है यहाँ पर ये, तो इधर रे तो जाएगा नहीं, ये तो रे इधर जाएगा ही नहीं, यहाँ से अगर जाता है तो ये रिट्रेस हो जाएगा, और पूरा देखना है यहाँ पर, तो यहाँ भी इस तरह जो है कि, तो फुल इमेज जो है देख लेगा, लेकिन इस पर यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये ख़त्म हो जाएगा ऊपर अगर ख़त्म है। तो अब ये बताना है कि ये वाला कितना होगा, अगर इसका एच ऊंचाई है इसका मैन का, इसको भी अगर हम लोग एच मान लें, तो आपको इस बताना है कि ये जो प्लेन मिरर है वो कितने हाइट का होगा, और वो दिखा सकते हैं ऐसे, इस तरह जो है कि साइट यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर टेन थीटा की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये एच बाई एक्स, और ये तो एक्स होगा ही, तो कितना होगा 2x हो गया यहाँ पर, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा एच बाई 2x, और यहाँ पर कितना होगा स्मॉल एच बाई एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एच इक्वल टू कितना होगा एच बाई 2, देख सकते हैं एकदम इजी मेथड से आप बना सकते हैं इसको, कि हाइट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, है ना, आप आराम से देख सकते हैं इसको। चलिए हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल ध्यान दीजिएगा कि इधर डॉटेड रखिएगा, और आप फिर इसको ऐसे भी आप दिखा सकते थे, लेकिन ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भी अगर द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस विधि से कर सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि हाफ हो जाएगा। तो थैंक्स टू ऑल, इसके आगे वाला हम फिर कर देंगे इसको, लेकिन आप इसको देखते रहिए, बहुत ही बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है ये। बेसिक में बहुत इसका काम करेगा, आगे अगर आप रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगा। इस तरह धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और देखना एकदम नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग इसको रेगुलर करते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल।